कभी तेल पीड़ा और लाठी बयान करने वाले आरजेडी सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव के लाल को लाठी और डंडे का साथ नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव ने डंडा चलाने वाले कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को बता दिया है कि वे लाठी नहीं कलम चलाने की बात करें तो अच्छा होगा। साथ ही उन्होंने जता दिया है कि आरजेडी को लाठी संस्कृति से बाहर ले जाने के लिए वे कितने उत्सुक हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को लंबे अरसे के बाद जब पटना पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने सीएम नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने निशाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी ले लिया। तेजस्वी को राहुल गांधी के पीएम को डंडा मारने वाले बयान पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर ऐसे बयानों के लिए जगह नहीं है, डंडा और लाठी की बात अब नहीं होनी चाहिए, अब कलम की बात होनी चाहिए। तेजस्वी ने हालांकि आगे ये भी कहा कि लोगों को दिल्ली चुनाव परिणाम का इंतजार करना चाहिए। झारखंड में सबको पता है कि डंडा किस पर पड़ा था, लोग हरियाणा चुनाव में भी इसी तरह करके इस बार जनादेश के चोरों को डंडा मारेंगे। लेकिन जब परिणाम आया, हर जगह परिणाम हमारे पक्ष में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लाठी डंडे की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि बात कलम की होनी चाहिए। दरअसल जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए ये कहा था कि नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, इस 6 महीने बाद ये घर से बाहर निकले हैं और हिंदुस्तान के युवक इनको ऐसा डंडा मारेंगे कि इनको समझा देंगे, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार चाहिए और ये रोजगार देने वाले नहीं है, इसके बाद से देश की राजनीति गर्म हो गई। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। गुरुवार को सदन में बोलने के लिए खड़े होते ही पीएम मोदी ने करारा जवाब देते हुए राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी। हालांकि तेजस्वी यादव जरूर एक बार फिर से लाठी और डंडे से परहेज कर रहे हैं, मगर एक समय था जब लालू यादव की पार्टी को लाठी डंडे की पार्टी कहा जाता था। लालू यादव कहते थे कि वे इसी लाठी के सहारे भैंस के सींग पकड़कर उस पर चढ़ जाएंगे। लालू यादव के लाठी प्रेम ने उन्हें लाठी रैली करने के लिए भी प्रेरित किया था। साल 2003 में जब लालू यादव का असर बिहार की राजनीति में कम पड़ने लगा था, तब उन्होंने अपना जनाधार बचाने के लिए लाठी रैली किया था। लाठी उस वर्ग का भी प्रतीक है जो खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ा हुआ है। ये वंचित तबके के हाथ में आया हुआ राजदंड है और इसे लालू हमेशा अपने पास रखते थे। वहीं कहा जाता है कि बाहुबलियों के लिए भी ये एक बड़ा हथियार था। लालू की तेल पिड़ाओ लाठी भजाओ रैली पटना में 5 लाख लोगों को एक बार जुटा चुकी थी और ये इतिहास है, क्योंकि बिहार में ऐसी रैलियां बहुत कम होती हैं। लेकिन आज जिस तरह से लाठी डंडे की संस्कृति को नकारने में तेजस्वी यादव शायद आरजेडी के उस दौर से बाहर निकालना चाहते हैं जब बिहार में तथाकथित जंगल राज कहा जाता था। आरजेडी की लाठी संस्कृति का हवाला देकर नीतीश कुमार ने भी कई बार लालू यादव को घेरने का काम किया है। तेजस्वी आज पार्टी को पढ़ा लिखा और सुसंस्कृत बनाना चाहते हैं। हालांकि तेजस्वी की राह कितनी आसान होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।